समग्र कच्छमां अकस्मातना बनावो, गर्भवती महिलाओं अने खास करीने थेलेसेमियाग्रस्त बाळकोने अवारनवार लोहीनी जरूर पड़ती होय छे, त्यारे अनेक संस्थाओं द्वारा रक्तदान कैम्पनुं आयोजन करवामां आवे छे, जेने कारणे लोहीनी उणप न सर्जाय अने जरूर होय त्यारे सरळताथी लोही मळी रहे તે માટે કેમ્પોનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે। 29મી સપ્ટેમ્બર એટલે કે વિશ્વ હૃદય દિવસ, વિશ્વ હૃદય દિવસ નિમિત્તે સમગ્ર વિશ્વમાં અનેક લોક ઉપયોગી કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેના ભાગરૂપે ભુજમાં એનસીસી એલ્યુમિના એસોસિએશન, 5 નેવલ એનસીસી યુનિટ અને TFR NGO દ્વારા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં શહેરની GK જનરલ હોસ્પિટલના સ્ટાફ દ્વારા સહયોગ મળ્યો હતો। ભુજ ખાતે યોજાયેલા રક્તદાન કેમ્પમાં 50 યુનિટ લોહી એકત્ર કરવાના ઉપલક્ષ સામે બપોર સુધી લગભગ 30 જેટલા દાતાઓ દ્વારા લોહી ડોનેટ કરવામાં આવ્યું હતું। એનસીસી એલ્યુમનાઈ એસોસિએશનના બન્યા બાદ વિવિધ સામાજિક કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે, જેના ભાગરૂપે રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેને કારણે એનસીસી કેડેટ સારા નાગરિક હોવાના ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે અને લોકોને મદદરૂપ થવાનો અવસર મળે છે। આ બાબતે ચંચળ ન્યૂઝ સાથે કમાન્ડિંગ ઓફિસર નિલેશભાઈ અને એસોસિએશનના પ્રમુખે વાત કરી હતી। મેં કમાન્ડર નિલેશ, કમાન્ડિંગ ઓફિસર 5 ગુજરાત નેવલ એનસીસી યુનિટ ભુજ। આજ વર્લ્ડ હાર્ટ ડે હે ઓર ઉસકે ઉપલક્ષ મેં હમને એક બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ એનસીસી એલ્યુમિનાઈ એસોસિએશન કે કચ્છ કે ચેપ્ટર કે સાથ મિલકે યહાં પે કન્ડક્ટ કર રહે ઓર હમ લોગ એક્સપેક્ટ કર રહે કે અરાઉન્ડ 50 યુનિટ્સ બ્લડ ડોનેટ હોને કી ચાન્સીસ હૈ। અભી તક 30 બચ્ચોને એનસીસી કેડેટ્સ ઓર એનસીસી એલ્યુમિનાઈને રજિસ્ટ્રેશન કર ચુકે હૈ ઓર શાયદ અભી એકાદ ઘંટે તક ઓર અગલે એક ઘંટે તક 50 ઓર 50 સે ઉપર કે યુનિટ્સ હમ લોગ બ્લડ ડોનેટ કર પાએંગે। ઉસકે લિયે હમકો GKG જો ભુજ કે અસ્પતાલ હૈ ઉનકે ડોક્ટર્સ ને ઓર ઉનકે સ્ટાફ ને હમકો હેલ્પ કિયા હૈ। और हम लोग जब से ये एनसीसी एल्युमिनाई एसोसिएशन कच्छ चैप्टर जब से कम अप हुआ है उसके बाद से हम लोग ये जो स्प्रेड कर रहे मैसेज और सोशल एक्टिविटी के मैसेज और जो अपलिफ्टमेंट ऑफ एनसीसी कैडेट्स उसमें काफ़ी हेल्प हो रहा है। और उसके लिए मैं जो एनसीसी एल्युमिनाई एसोसिएशन के जो कोर कमेटी के मेम्बर्स है मिस्टर बीनू पिल्ले और सोलंकी भाई और सुनील बावसे जी उनके लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ। ब्लड डोनेशन से फ़ायदा यही होता है कि जब किसी को इमरजेंसी ब्लड डोनेशन ब्लड की रिक्वायरमेंट है उस वक्त आप अपने रिलेटिव वगैरह को ढूंढ नहीं पाते, तो ये ब्लड डोनेशन जो बैंक में वो लोग ब्लड डोनेशन वाला जो बैंक में प्रिजर्व करके रखते वो उनको इमरजेंसी में काम आता है। और दूसरा बच्चों में जो एनसीसी के जो बच्चे हैं उनमें एक डोनेशन की भावना पैदा होती है, उनको अपना गुड सिटीजनशिप के जो भावना है वो पैदा होती है उनमें और अपनी तरफ से कुछ सोसाइटी के लिए किया उसका एक आनंद प्राप्त होता है। नमस्कार, एनसीसी एल्युमिना एसोसिएशन कच्छ चैप्टर के प्रेसिडेंट बिनू पिल्लई, हमारे साथ ट्रेजरर साहब हैं हेमेंद्र सिंह सोलंकी, सुनील जी, अंतानी साहब और दूसरे मेंबर्स भी हमारे पास मौजूद है। आज 29 सितंबर के रोज विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष में एनसीसी एल्युमिना एसोसिएशन कच्छ चैप्टर, 5 नेवल एनसीसी और TFR NGO जो कि सामाजिक क्षेत्र में अपना काम कर रहा है उनके साथ मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज हुआ है 5 नेवल एनसीसी के तहत। और 5 नेवल एनसीसी के CEO साहब नीलेश पाटे साहब के संपूर्ण सहयोग की वजह से आज हम ये कैंप को बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट कर पा रहे हैं, जिसमें 50 से ज़्यादा यूनिट ब्लड का एकत्र करने का एक एम रखा गया है। और सभी बच्चे एनसीसी एल्युमिना एसोसिएशन के मेंबर्स और दूसरे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग लिया है और आज की तारीख में विश्व हृदय दिवस के दिन हम सबको ब्लड का कीमत का पता होना चाहिए और पता है, इसी को ध्यान में रखते हुए लोग ब्लड डोनेशन के लिए सामने से आगे आ रहे हैं और अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और विश्व हृदय दिवस जो है उसको सही मायनों में आज एनसीसी एल्युमिना एसोसिएशन, TFR NGO, 5 नेवल एनसीसी मिलकर हम लोग मना रहे हैं। साथ ही साथ आज 5 नेवल एनसीसी के CEO नीलेश पाटे साहब कच्छ में से विदायमान ले रहे हैं। उनका काम नेवल यूनिट को कच्छ में बढ़ाने का उनका काम हर एक नेवल कैडेट, हर एक कच्छी को याद रहेगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा
नेवल एनसीसी यूनिट को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में ही सोचा है।